శ్రీమత్సద్గుణశాలినంచిదచితి వ్యాప్తం చలి వ్యాకృతిం జీవే సాక్షర్ముక్తకోటిసుఖదం నైకావతారాధికం జ్ఞేయం శ్రీపురుషోత్తమం మునివరే వేదాదికీర్తిం విభుం తం మూలాక్షరయుక్తమేవ సహజా నందం చ వందే సదా కృపా కరో ముజ ఉపరే సుఖనిధి సహజానంద గుణతమారాగవ బుద్ధి ఆపుజో సుఖకంద శ్రీ స్వామినారాయణ భగవాన్ జయ అక్షర పురుషోత్తమ మహారాజ్ జయ ప్రముఖ స్వామి మహారాజ్ జయ మహంత స్వామి మహారాజ్ జయ अगस्त 2016 की ये बात है जब प्रमुख साईं जी महाराज अपने कमरे में थे। सुबह से उनकी जो क्रियाएं थी वो भक्तिमय रही। उनके जो सेवक संत हैं, उनके जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि सुबह से ही वैसे थोड़ा बीपी जो ब्लड प्रेशर वो डाउन था, तो डॉक्टर लोग सब अपनी अपनी तरह से जो उनको सारवा देनी थी वो दे रहे थे और स्नान हो गया। उसके बाद जो रोज हम पूजा करते हैं वैसे प्रमुख स्वामी जी भी अपनी पूजा में शामिल हुए और दोपहर होने के तुरंत उसी समय पूजा के बाद स्वामी जी को पूछा गया कि भक्त लोग बहुत आए हैं तो आप दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। तो स्वामी जी का कमरा ही ऐसा था कि वहीं से वो कर्टन उठा ले तो वहीं से दर्शन होते थे सबको। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम भक्त लोग को मिलना भी चाहते हैं। तो बाहर से भक्त लोग बैठे थे और दो तीन मिनट के लिए 4 सेशन में दर्शन भी दिए उन्होंने। उसी दिन 2:30 बजे एक डॉक्टर आए जो पहले पिछले 2.5 महीने में 3-4 बार आ चुके थे, जो स्वामी जी के लंग्स में जो इन्फेक्शन था उसका टेस्टिंग करने के लिए वो सोनोग्राफी करते थे आकर। तो वो चेकिंग के लिए आए उस दिन और उसी दिन चेकिंग किया और जो रिपोर्ट दिया बोले कि पिछले 2.5 महीने में जो रिपोर्ट आए हैं उससे कहीं गुण ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट आज है कि बहुत ही अभी स्वामी जी का जो स्वास्थ्य है वो सुधर रहा है। सबको आनंद था कि बीपी लो है लेकिन ये तो अच्छी बात है कि ठीक हो रहा है। तो कोई सुबह से ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था जहाँ पे वो लोग को लगे कि आज स्वामी जी कोई ऐसी लीला करेंगे जो सभी को हम लोग को एक दुख होता है ऐसा जानने के बाद। तो 2:30 बजे तक यही चला और 4:45 बजे स्वामी जी अचानक एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आ गए। और हम जानते हैं कि जो 2 घंटे उसमें जितने भी सेवक संत डॉक्टर सभी कमरे में थे और हुआ यूँ कि जो हमारे विवेक सागर स्वामी जी जो स्वामी जी के साथ पिछले 42 ईयर्स से वो साथ में रहते हैं वे भी अंदर आ गए। और वे जितनी बार बोले कि स्वामी जय स्वामी नारायण तो स्वामी बोले मीन्स बोला मैं जय स्वामी नारायण सामने बोल रहा हूँ। और ऐसे करते करते आंख बंद होती थी फिर खोल के देखते थे लेकिन कुछ भी कंट्रोल में नहीं हो रहा था। और तब जो सेवक संत हैं जो भगवान के मूर्ति जो ठाकुर जी कहते हैं वो हमेशा पापा के साथ प्रमुख स्वामी जी के साथ रहती थी वो मूर्ति वो ठाकुर जी को लेकर आ गए। और तब उनके सेवक संत योगी चरण स्वामी जी उन्होंने ठाकुर जी को अपने सिंहासन से उठाकर स्वामी जी की छाती के ऊपर रख दिया। दैट वॉज एट अराउंड 6:00 और तब स्वामी जी की आँख और भगवान की आँख एक हुई और स्वामी जी ने ये संसार का त्याग कर दिया। तो ये जो घड़ी थी
वो जब ये सब सुना उसके बाद ऐसा लगता है कि जो स्वामी जी ने अपने गुरु जी को वरदान मीन्स प्रतिज्ञा की थी उनके सामने कि मैं आपकी आज्ञा से ये सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति दो और मेरी ये प्रार्थना है कि मैं जीवन के अंतिम श्वास तक मैं भगवान और भक्तों की निस्वार्थ भावना से मैं सेवा करूं और कृतकृत्य होकर ये संस्था की सेवा मैं कर सकूं। एंड ही लिव्ड बाय दैट वर्ड्स। 2:30 बजे के पहले वो अंतिम भक्तों को भी दर्शन दिए हैं और उसके बाद भगवान में एकाकार हो गए और उन्होंने ये संसार का त्याग किया। तो ऐसे महान संत जब ब्रह्मलीन होते हैं तो समाज में सचमुच एक ऐसा वैक्यूम हो जाता है ऐसा लगता है, लेकिन हमारी ये जो परंपरा है उसमें एक बात ये पहले से रही है कि सत्पुरुष कभी पृथ्वी के ऊपर से जाते नहीं हैं। भगवान या वैसे संत वो हमेशा इस भरतखंड के अंदर मौजूद रहते हैं, वैसा लिखा है भगवान स्वामीनारायण ने। तो आज हम देखते हैं कि ऐसी परंपरा चालू है और आज महंत स्वामी जी के द्वारा ये कार्य स्वामी जी ने उनको सौंपा है। लेकिन ऐसे संत उनके लिए ऐसा कहा गया है भागवत के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान को हर एक व्यक्ति ने अलग अलग ढंग से देखा। एवरीवन हैड देयर ओन परसेप्शन टू लुक एट श्री कृष्ण भगवान। वैसे ही ऐसे संत प्रमुख स्वामी जैसे उनको भी बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है। हमने सुना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब आए 15 अगस्त को आफ्टर द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ही स्ट्रेट अवे केम फ्रॉम रेड फोर्ट टू सहारनपुर और वहाँ पर आकर उन्होंने दर्शन किए स्वामी जी के वो दिव्य विग्रह के और उसके बाद वो बोले कि आप सब ने अपने गुरु को गवाया लेकिन मैंने तो अपने पिता को गवाया। ही ऑलवेज बिलीव्ड प्रमुख स्वामी टू बी लाइक ए फादर फिगर। अब्दुल कलाम जी जो थे वो हमेशा कहते थे, लेकिन उन्होंने जो पुस्तक लिखी ट्रांसेंडेंस उसका ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में, परात पर लिखा गया है, उसका नाम दिया गया है, उसमें उन्होंने बताया कि प्रमुख स्वामी इज माय अल्टीमेट टीचर। क्योंकि कहते हैं कि इन माय लाइफ आई हैव बीन टॉट बाय मेनी, फर्स्ट बीइंग माय फादर एज माय टीचर, देन उनके प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश जी, सतीश धवन जी, एंड ही नेम्ड फ्यू एंड देन सेड के एट एंड माय अल्टीमेट टीचर इज प्रमुख स्वामी हु हैज टॉट मी एंड ही हैज इरेडिकेटेड आई एंड माइंड फ्रॉम मी। अहम और ममत्व का त्याग कराकर मेरे अंदर जो ये स्वभाव था उसको निकाल कर मुझे भगवान के नज़दीक पहुँचाया, वैसे ये मेरे अल्टीमेट गुरु टीचर हैं। तो नागपुर के अंदर रहने वाले प्रोफेसर जिचकर बहुत ही वहाँ के प्रसिद्ध वे महापुरुष हैं और उन्होंने जब स्वामी जी के दर्शन किए तो स्वामी जी के दर्शन के साथ ही उन्होंने जब उनका ये वक्तव्य था उसमें बताया कि स्वामी जी को देखता हूँ तो आई बिलीव दैट आई एम लुकिंग एट अ लिविंग गॉड। हर एक ने अलग अलग ढंग से स्वामी जी को देखा पहचाना और उसी हिसाब से उन्होंने स्वामी जी के साथ अपना जो रिलेशन था वो बढ़ाया। तो समाज के अंदर आज एक पिता तुल्य मार्गदर्शन देने वाले, आज एक अल्टीमेट टीचर गुरु की पदवी जो है वो, या तो फिर एक भगवान का स्वरूप हमारे साथ हमारे जैसे बनकर उन्होंने आज समाज के अंदर रहकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। ब्रह्मानंद स्वामी जी का एक काव्य है उसमें उन्होंने कहा है कि संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी जगत माही संत परम हितकारी त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी रीत जगत से न्यारी परम कृपाल सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी जगत माही संत परम हितकारी। और अंत में कहते हैं कि ब्रह्मानंद कहे संत की सौगत मिलत है प्रगट मुरारी
जगत माही संत परम हितकारी। तो ऐसे हितकारी संत की बात कहकर वो कहते हैं कि जो संत है वो हमेशा समाज के अंदर आकर वो समाज का हित करते हैं। और प्रमुख स्वामी जी के लिए अभी अभी हमने जो वीडियो में देखा लाइफ एंड वर्क ऑफ प्रमुख साईं महाराज, वो यही बात थी कि समाज के अलग अलग पहलुओं में अलग अलग जगह पर उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और वो कार्य के द्वारा उन्होंने जगत को बहुत ही अच्छी तरह से संवारा, संभाला, पोषण किया। और आज जो हम देख रहे हैं कि आज परदेश की भूमि में, भारत की भूमि में, दुनिया में कहीं भी आप जाओ, 1200 मंदिर बनाकर जो समाज खड़ा किया है वो हरेक के भीतर उन्होंने आध्यात्मिकता डाली और साथ साथ में सभी का हित हो ऐसी उनकी भावना रही। एक बार स्वामी जी को पूछा कि आपको किस ऐसा कौन सा विचार है जो आप हमेशा करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस मैं किसी का भी अहित ना हो ऐसा मैं विचार करता हूँ हमेशा। तो ये केवल बोलना नहीं था उनके जीवन में, ही ऑलवेज वॉक द टॉक, वो हमेशा जो कहते थे वो करते थे। तो वैसे प्रमुख स्वामी जी के व्यक्तित्व को हम जानते हैं और उनके लिए बहुत लोग ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उनके साथ रहकर जो पिछले 40 साल से उनके सेवक बन के रहे, वैसे नारायण चरण स्वामी जी का नागपुर के अंदर श्रद्धांजलि सभा में जो प्रवचन हुआ उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। नहीं कि स्वामी जी का जीवन अगर दो शब्द में कहना है तो मैं कह सकता हूँ कि सादगी और आध्यात्मिकता, सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। वो कैसे, वो कहते हैं कि प्रमुख स्वामी जी ने आज तक ही ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज, उसमें भी उन्होंने 17,000 विलेजेस एंड सिटीज एंड टाउन्स, जो कुछ भी मेगा सिटीज सब जगह पर गए, 17,000 सच प्लेसेस, 250,000 हाउसेस ही ब्लेस्ड, 2.5 लाख घरों में पधरामनी की उन्होंने और 7 लाख से भी ज्यादा लेटर्स के आंसर दिए हैं। तो ये सब इतना विराट कार्य किया, तो जब वो घर घर जाते थे तो पैदल चल के भी गए हैं, तो उस वक्त उन्होंने कभी भी अपने चप्पल की ओर नहीं देखा है कि मेरे चप्पल अच्छे नहीं है, सैंडल्स, कभी मांग नहीं की कि मुझे ऐसे लगा दो, ऐसे बनवा दो कि सॉफ्ट होना चाहिए, कुछ नहीं, जो भी पहना पहन लिया और निकल पड़े। दैट वॉज ए सिंप्लिसिटी। ये तो उनके साथ 40 साल रहने वाले संत, उनके सेवक कह रहे हैं, वे तो एक एक क्षण का ऑब्जर्वेशन करते थे ना उनका, और वो उनको तो कह सकते थे ना कि ये ठीक नहीं है, दूसरा मंगवा दो हमारे लिए, तो हो सकता था, और उनकी सुविधा के लिए तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कभी मांगा नहीं है। कहे कि इतने सारे लेटर्स लिखे, हम आज एक ईमेल भी आंसर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने 7.5 लाख जितने पत्र को जवाब दिया है, आंसर्स लेटर्स का, कभी भी पेन कैसी होनी चाहिए वो स्वामी जी ने नहीं कहा है, जो भी पेन दे दी वो इस्तेमाल किए और इतनी संभाल रखते थे वो पेन की, छोटी सी पेन हो कोई भी, हमने देखा है कि स्वामी जी के हाथ में हमेशा ब्लैक इंक की जो डार्कर पॉइंटर होता था वो ही रहती थी, तो इतना संभालते थे वो, लेकिन कभी भी मांग नहीं है कि ये नहीं अच्छी वाली पेन लाओ, महंगी वाली लाओ, ये लाओ, कुछ भी नहीं मांगा। जो गाड़ी में बैठ के जाते थे वो गाड़ी कौन सी है वो भी नहीं मालूम थी उनको, सीट के ऊपर जो बैठते थे वो कितने सालों तक वही गाड़ी लेकर निकलते थे उनके ड्राइवर के साथ और संतों के साथ, कभी भी सीट कवर कैसा है वो पूछा नहीं है, कोई ऐसी अपेक्षा नहीं दुनियावी चीजों की, मटीरियलिस्टिक थिंग्स की। और जो कार्य किया वो, आज के युग में अगर एक आदमी को ये करना है तो वो आदमी को लगभग 200-300 साल जीना पड़ेगा, तब इतना कार्य हो सकता है, वो स्वामी जी ने इस युग में किया। और 45 साल की उनकी जो गुरु पदवी के अंदर वो रहे, उसी सालों के अंदर उन्होंने 1200 मंदिर बनाए, इतने हरि भक्तों को 1-on-1 मिले और इतना सब कुछ किया, तो एक ही भावना थी कि कैसे सबका हित हो। तो ऐसी सुंदर भावना के साथ गुरुदेव जी
जिए हैं और हमें भी इतनी अच्छी सीख उन्होंने दी है। तो आज के दिन जब हम श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं तो ये कोई शोक सभा नहीं है। ऐसे संत हमारे बीच फिजिकली नहीं रहे, लेकिन मुरारी बापू जो रामायण के बहुत ही प्रखर कथाकार है, वे जब आए उन्होंने कहा कि अगर आत्मा नहीं मरती तो ये तो महात्मा थे, वो कैसे मरेंगे। और ये महात्मा है तो हरेक के अंदर अब वो विलीन हुए हैं और हमारे अंदर उनके गुणों का वो प्रस्थापित करके वो स्थापन करके वो गए हैं। और आज ये सत्संग समाज जो है उनके अंदर उनके गुणों के दर्शन होते हैं। और महंत स्वामी जी जब प्रमुख स्वामी जी की जो श्रृंखला में गुरु परंपरा में वे अब आए हैं तो उनका भी जीवन ऐसा है, उनके द्वारा वो रहकर ये हमें प्रेरणा देते रहेंगे। तो ऐसे संत के आज गुण गाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि सभा के रूप में। तो आज हम अभी एक वीडियो देखने जाएंगे, वो प्रमुख स्वामी जी महाराज जो कहते थे वही करते थे, जो विचार जो वाणी वही वर्तन, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम जो भावना है वही बात स्वामी जी के जीवन में कैसी रही है और उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया वो किस भावना से किया, वो प्रमुख स्वामी जी के ही मुख से उनके आशीर्वचन में हम ये सुनेंगे।